तो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में जैसे आप फाइनली देख सकते हो आज मेरे साथ है बजाज का सी एन जी बजाज का फ्रीडम बाइक जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला सी एन जी बाइक है आज हम उसी का रिव्यू करेंगे आज उसका मेरी सिटी में लॉन्च होने वाला है तो आइए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स देखते हैं और इसके बारे में जानेंगे कि आपको सी एन जी बाइक में क्या क्या देखने को मिलेगा और किस तरह से मिलेगा देखने में तो ये बाइक काफी अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले इसकी मेन चीज की बात करें तो वो है इसका सी टैंक आपको इस बाइक में पूरी दुनिया में पहली बार सी का टैंक देखने मिलने वाला है जिसमें आप दो के जी की सी भरवा सकते हो और सी टैंक के साथ साथ आपको इसमें दो लीटर का पेट्रोल टैंक भी देखने को मिलेगा अगर आप सी किसी कारण से नहीं भरवा सकते हो और आपको एमरजेंसी कहीं जाना है आपका बाइक आउट ऑफ सी है तो आप पेट्रोल का भी इसमें यूज कर सकते हो और इसमें आपको स्विच दे रखा है कि आप कभी भी सी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएन पे शिफ्ट कर सकते हो कंपनी का कहना है कि ये बाइक आपको टोटल रेंज देने वाला है 330 हंड्रेड एंड थर्टी किलोमीटर्स की आपका ये दो के जी सी एन जी में दो सौ किलोमीटर्स चलेगा ऐसा कंपनी का कहना है और दो लीटर पेट्रोल में आपको ये 130 थर्टी किलोमीटर्स कवर करके देगा तो टोटल मिला के हो जाता है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी किलोमीटर्स पर बाकी स्टेट्स में जैसे ये बाइक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उन कस्टमर्स का कहना है कि रियल टाइम में ये बाइक आपको लगभग दो के जी सी एन जी में वन सेवेंटी से वन सिक्सटी किलोमीटर्स तक की रेंज देने वाला है और आपको ये दो लीटर पेट्रोल में लगभग हंड्रेड किलोमीटर्स के अराउंड रेंज दे देगा तो आपको ये कलेक्टिव टू सेवेंटी टू एटी के करीब रेंज देने वाला है टोटल रियल टाइम की अगर हम बात करें तो सीएनजी टैंक के बारे में सुनने के बाद सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है सेफ्टी सीएनजी टैंक्स के रिलेटेड हम आए दिन एक्सीडेंट सुनते रहते हैं तो इस बाइक में बजाज का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा है और इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे टेस्टिंग की है बहुत सारे टेस्ट किए हैं जो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो तो वो सब टेस्ट में ये बाइक पास हो गया है उसके बाद ही इन्होंने इस बाइक को लॉन्च किया है तो एम श्योर बजाज बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी है तो वो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी फॉर श्योर तो आप सेफ्टी के मामले में बजाज के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट कर सकते हो और इसके साथ साथ बजाज का ये भी कहना है कि हर दो साल के बाद जब भी ये बाइक आपका सर्विस के लिए आएगा तो उस टाइम पे इसके सी एन जी टैंक की प्रॉपर टेस्टिंग होगी प्रॉपर चेकिंग होगी इसका हाइड्रो टेस्ट किया जाएगा ताकि आपकी सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके फिर हम इसके सीएनजी टैंक की प्लेसमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह से सीट के नीचे आपको ये सीएनजी टैंक देखने को मिलेगा जिसमें आप दो के जी स्टोर कर सकते हो और मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो टैंक है इसका खुद का वेट 16 के का है तो सोचो ये कितना ज्यादा सॉलिड होगा और इसके साथ साथ ये सीट आप देख रहे हो ये सीट पूरी दुनिया में जितने भी बाइक्स हैं सब बाइक्स में ये सबसे ज्यादा लंबी सीट होने वाली है आपको इससे बड़ी सीट आज तक किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिली है ये वो सेक्शन है जिसमें आप आपकी सीएनजी की नोजल देख सकते हो यहां से आप आपकी सीएनजी डलवाओगे और इसी के साथ ये जो सेक्शन है यहाँ से आप इसमें पेट्रोल डलवाओगे और यहाँ पे सेफ्टी का एक और बहुत बढ़िया फीचर आपको दिया गया है कि ये नोजल या फिर ये लिड पेट्रोल की है इन दोनों में से कोई भी चीज अगर जरा भी खुली रह जाती है या जरा सी भी लूज रह जाती है तो ये आपका बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है जब तक ये दोनों चीजें प्रॉपरली बंद नहीं होती तब तक ये बाइक को स्टार्ट नहीं किया जा सकता बस यहाँ पे एक जो छोटी सी चीज मुझे अच्छी नहीं लगी ये जो इसके लिड है ये प्लास्टिक की लिड है जो ज्यादा वेट नहीं सह पाएगी अगर इसके ऊपर ज्यादा वेट आएगा तो ये टूट सकती है इसके ऊपर बताया था लिखा हुआ है कि के थ्री केजेस तक का वेट ही ये सह सकती है तो यहाँ पे अगर आप कोई भी सामान वामान लेके जाओगे तो ये लिड को नुकसान पहुंच सकता है उसके बाद बजाज ये भी कहता है कि ये बाइक के अंदर आपको स्टार्ट मोटर देखने को नहीं मिलेगी उन्होंने इसमें उनकी न्यू आई टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिससे आपको ये बाइक बहुत ज्यादा स्मूथली स्टार्ट होते देखने को मिलेगा जब भी आप इसकी सेल्फ लगाओगे मैं अभी आपको इसकी आवाज सुनाऊंगा ये किस तरह से स्टार्ट हो रहा है पर उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा स्मूथ स्टार्ट होगा बाकी बाइक्स के कंपेरेटिव और इसकी स्टार्ट मोटर नहीं होने की वजह से आपको इसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम देखने को मिलेगा बाकी बाइक्स के मुकाबले उसके बाद हम फ्रीडम 125 के वेरिएंट्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल तीन वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं बेसिक फीचर्स तो सब में सेम ही रहेंगे बस आपको जरा जरा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जो सबसे इनका टॉप मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगी और उसके साथ आपको इसमें एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा और जो मीटर होने वाला है वो आपको प्रॉपर डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है जिसमें आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी रहने वाली है और उसके बाद जो इनका सेकेंड वेरियंट आता है उसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेंगी पर एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है और जो मीटर होने वाला है वो कुछ इस तरह से रहेगा एंड जो तीसरा वेरिएंट है उसमें अगेन आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाली है जो लाइटिंग का सेटअप होगा वो एलईडी नहीं होने वाला है और उसके बाद जो मीटर है वो आपको सेम सेकेंड वेरिएंट की तरह ही देखने को मिलेगा बस यही फर्क है तीनों वेरिएंट्स में बाकी सब चीजें आपको इनमें सेम देखने को मिलती है और इन तीनों वेरिएंट्स के प्राइस को देखें तो जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो आपको मिलेगा वन लैख टेन थाउजेंड के एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर और फिर जो इसका मिड वेरिएंट आता है वो आपको मिलेगा वन के एक्स शोरूम प्राइस पे और जो इसका बेस मॉडल है वो आपको मिलने वाला है नाइन्टी फाइव थाउजेंड के एक शोरूम प्राइस के ऊपर तो सबसे टॉप वेरिएंट की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका डिजिटल कंसोल देखने को मिलने वाला है इसमें आपको बेसिक चीजें सारी शो हो जाएंगी आपकी स्पीड कितनी है आपकी बाइक की रेंज कितनी है पर इसमें एक चीज है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपको इसमें सी की रेंज तो दिखाता है आपको सी तो दिखाता है कि कितनी बची है पर पेट्रोल के लिए इसमें कोई भी ऐसा मीटर नहीं है आपको पेट्रोल का खुद से आइडिया रखना पड़ेगा हालांकि इसमें ऐसा होता है कि अगर पेट्रोल आपका 500-600 छे सौ के करीब रह जाए तो आपकी ये जो पेट्रोल का इंडिकेशन है वो लिंक होने लगता है मतलब आपका बाइक रिजर्व पे चला जाता है बस इतना ही है पेट्रोल का जो आपको टैंक का आपको पता चलेगा कि इसमें कितना फ्यूल है अदरवाइज इसमें पेट्रोल को मेजर करने के लिए कोई भी मीटर नहीं दे मे रखा है फिर आपको इसमें ये इजी सा सी से पेट्रोल पे शिफ्ट करने वाला स्विच देखने को मिलेगा आप बहुत इजीली पेट्रोल से सी और सी से पेट्रोल स्विच कर सकते हो सिर्फ इस छोटे से बटन की से और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये ब्लूटूथ बटन देखने को मिलने वाला है जिससे आप अपके फोन की कॉल्स को उठा सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो और इसी के साथ साथ आपको इसकी डिस्प्ले के ऊपर भी आपकी मिस कॉल अलर्ट और आपकी अगर कोई इंपॉर्टेंट एस एम एस आ रहे हैं तो वो भी चीजें आपको इसमें शो हो जाएगी उसके बाद जो आपके बाकी दो वेरियंट बचे हैं उनमें कुछ इस तरह का आपको मीटर देखने को मिलने वाला है इसमें आपको बेसिक बेसिक चीजें सब इंडिकेशन के थ्रू पता चल जाएंगी आपका इसमें भी वही सेम पेट्रोल और सी एन जी से स्विच करने वाला बटन है बाकी चीजें ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम है बस ये आप मीटर देख सकते हो वो आपको डिजिटल मीटर मिलेगा और यहाँ पे आपको ये सिंपल सा मीटर मिलने वाला है और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा तो आपके डिजिटल कंसोल से तो आपको सी कितनी है आपके बाइक में वो पता चल ही जाएगा पर अगर आपको किसी कारण उस पर भरोसा नहीं है तो बाइक के इस साइड पे आपको ये कैप हटाने पे प्रॉपर ये मीटर देखने को मिलेगा जिससे आपको प्रॉपर आपकी सी की रीडिंग देखने को मिल जाएगी जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और लास्ट में इस बाइक में एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये बाइक की जो हाइट है सी एन टैंक की वजह से थोड़ी सी ज्यादा है बाकी बाइक्स के मुकाबले अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो आप लेने से पहले बाइक के ऊपर बैठ के अच्छे से इसको टेस्ट राइड करके जरूर देखना तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्योंकि इसकी हाइट नॉर्मल बाइक से थोड़ी सी ज्यादा है उसके बाद अब हम फाइनली इस बाइक को चला के देखने वाले हैं हम देखेंगे कि इसकी पेट्रोल से सी में स्विचिंग या फिर सी से पेट्रोल में जब हम इसको स्विच करते हैं वो कितना स्मूथली स्विच करता है और सी के ऊपर इसकी पिकअप कैसी है पेट्रोल के ऊपर पिकअप कैसी है और इसकी राइटिंग की क्वालिटी कैसी है तो वो सब चीजें अब हम देखते हैं तो सीएनजी से पेट्रोल में और पेट्रोल से सीएनजी में स्विचिंग काफी ज्यादा स्मूथ है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है ये पेट्रोल पे चल रहा है या सी पे चल रहा है हाँ बिल्कुल 19 बीस का बहुत ही हल्का सा फर्क आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपको कम मिलेगा सी के ऊपर वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सीएन में आपको पिकअप कम देखने को मिलेगी पेट्रोल के मुकाबले पर इतना भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है आपको पता भी नहीं चलेगा सी के ऊपर ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है और हैंडलिंग भी काफी अच्छी लग रही है बाइक की और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट राइड का काफी ज्यादा अच्छा रहा इस बाइक का और इसकी टॉप स्पीड तो अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे पर कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी टॉप स्पीड है पेट्रोल के ऊपर 94 फोर किलोमीटर की और सी के ऊपर आपको ये टॉप स्पीड देने वाला है नाइनटी किलोमीटर की वो भी आप आने वाले दिनों में जरूर टेस्ट करेंगे जरूर से इसकी वीडियोस लेके आएंगे अगर आप डिमांड करोगे तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो ये बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था इसकी लुक से लेके इसकी राइड क्वालिटी मुझे सब कुछ काफी अच्छा लगा और ये काफी अच्छे प्राइस पे भी आपको देखने को मिलने वाला है अगर आप किसी कारण से इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ नहीं जाना चाहते और पेट्रोल आपकी जेब के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है तो ये आपके लिए नई चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी फिट बैठ सकती है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह चार्ज करने का झंझट नहीं रहेगा और आपको सी हर जगह पे अवेलेबल भी मिल जाएगी तो आपके लिए काफी ज्यादा टाइम सेविंग और बहुत ही ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है और बजाज के साथ साथ अभी सुनने में आ रहा है कि टीवीएस का जो जुपिटर है वो जुपिटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सी स्कूटर बना रहे हैं तो वो भी हमें मार्केट में जल्दी देखने को मिल जाएगा अब देखना ये है कि ये सी एन जी बाइक्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करते हैं पब्लिक इसको कितना प्यार देती है कितना इस बाइक को खरीदती है वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा और मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी लॉन्च इवेंट में जाके वीडियो को शूट करना तो मुझे बहुत ज्यादा नई चीजें सीखने को मिली बहुत नए लोगों से मैं मिला बहुत कुछ उनसे सीखा तो आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और मैं खुद को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता रहूंगा इसी तरह का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना मत भूलना मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर